हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड, आपसे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप ही की क्वेरी के रिगार्डिंग। बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर कि सर मेरी ये क्वेरी है, मेरा रिफंड की क्वेरी है, मेरे एडमिशन की क्वेरी है, ऑनलाइन क्लास की क्वेरी है। तो फ्रेंड, ये सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो जो भी मुझे जैसे पता लगता है मैं आपको एज इट इज वैसे बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ड्यू से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले जो आपसे क्वेरी की बात करूंगा, जो सबसे ज्यादा मेरे जो मैसेज है, सबसे ज्यादा मतलब सेम क्वेरी मेरे पास कॉमन क्वेरी आ रही है बार बार, वो ये है मोर कट ऑफ। गाइस, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ और पहले भी मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ कि अब आपकी कट ऑफ नहीं आ सकती है, आपकी और कट ऑफ नहीं आएगी ड्यू एडमिशन 2020 के रिगार्डिंग। यार, आप सभी को पता है 2021 स्टार्ट हो चुका है, 2021 में 2020 के एडमिशन कैसे पॉसिबल है। और फ्रेंड, काफ़ी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर जो हमारी सीट वेकेंट रह गई है फिर उसका क्या होगा। तो गाइस, ये तो हर साल होता है, ड्यू के अंदर बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जो हर साल वेकेंट रह जाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ड्यू की जो सारी सीट्स है वो फुल हो गई हो। तो फ्रेंड, मैं इस चीज़ के लिए एग्री भी नहीं करता हूँ और आपको मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका एडमिशन अभी तक ड्यू में नहीं हुआ है तो या तो आप ये ईयर को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप ये ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहते तो आप किसी और यूनिवर्सिटी से ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर फ्रेंड आपका मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उनका जो एडमिशन वो ड्रीम कॉलेज में नहीं हुआ है, तो फ्रेंड अभी आप फर्स्ट ईयर के लिए स्टडी कर लीजिए। जो आपके फर्स्ट ईयर के बाद जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट कॉलेज में ट्रांसफर करवा लीजिए। लेकिन उसकी भी कुछ मतलब उसकी भी कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसके रिगार्डिंग एक मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में आप दूसरे कॉलेज में कैसे ट्रांसफर करवा सकते हो। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर ही चली जाएगी। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और साथ ही आप सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आपको पता लग जाता है, तो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। और फ्रेंड, काफ़ी बच्चे मुझसे एक क्वेरी पूछ रहे हैं एडमिशन के रिगार्डिंग कि मेरा एडमिशन मुझसे मिस हो गया था कट ऑफ के टाइम पे, तो क्या मैं अब कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो गाइस, ये कैसे पॉसिबल है? आपने इतना बड़ा चांस मिस कर दिया कि आपके जो एडमिशन में आपके कट ऑफ के जो बेस्ट 4 के मार्क्स हैं या बेस्ट 3 के मार्क्स हैं वो मैच हो रहे हैं और फिर भी आपने मतलब एडमिशन नहीं लिया। तो गाइस, इसके लिए तो कोई मतलब आपके लिए राहत नहीं है, आप अपने एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप नेक्स्ट ईयर का वेट करो, नेक्स्ट ईयर क्या 2021 के जो एडमिशन हैं उसका वेट करो। आफ्टर 12th रिजल्ट जो भी होगा, अभी तो कुछ पता नहीं, मई जून में तो अभी एग्ज़ाम डेट ही है, हो सकता है अगस्त या सितंबर में आपकी जो भी है मतलब डेट आए नेक्स्ट ड्यू की, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेट करो। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 में आपका नाम आ सकता है ड्यू में। और फ्रेंड, जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड जो मेरे पास क्वेरी आ रही है मोस्ट कॉमन क्वेरी, वो है रिफंड इशू, बैलेंस इशू। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया था लेकिन मेरा रिफंड अभी तक नहीं मिला है, मैंने अपना ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में करवाया था लेकिन जो मेरा बैलेंस पेमेंट है वो अभी तक मेरे को अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। तो गाइस देखो, मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूँ, ये कॉलेज की तरफ से नहीं होता, ये जो आर्ट्स एंड फैकल्टी है, जो यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज है उनकी तरफ से होता है। या फिर आपने किसी भी कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराया हो तो इसमें उनकी हेडेक नहीं है। अभी जो डिपार्टमेंट चल रहा है वो यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी है ड्यू जो है उनका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप फिजिकल मोड में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको एंट्री दी जाएगी। और फ्रेंड, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल के दूंगा, चाहे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा या फिर ईमेल आईडी दूंगा, कुछ ना कुछ जो भी मेरे से होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा इसके रिगार्डिंग। अगर आपके रिफंड इशू नहीं आया, जो भी आपकी फ़ी है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है, या फिर आपकी जो बैलेंस पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है, तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, जो भी अपनी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, जो मेरे पास थर्ड जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है ऑनलाइन क्लासेस। सर, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है? मेरा एडमिशन स्पेशल कट ऑफ में हुआ था, मैं ऑनलाइन क्लासेस जब तक ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कैसे ज्वाइन करूँगी? तो गाइस देखो, अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ था तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉलेज प्लस जो भी आपका कोर्स है
वो आप टाइप कर दीजिए, ताकि और जो बच्चे स्टूडेंट जो हैं इनकी वीडियो देखेंगे तो वो भी हो सकता है आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाए, आपके मतलब कॉन्टैक्ट में कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाए आपके कोर्स से, आपके सेम कॉलेज से, तो हो सकता है आपकी क्लास वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। और फ्रेंड अगर आपको फिर भी मतलब ऐसा नहीं हो पाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और कोई तरीका नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको कॉलेज की जो ईमेल आईडीज़ हैं और जो भी उसकी मतलब कांटेक्ट डिटेल्स हैं, या फिर अगर हुआ मेरे नॉन कॉलेज या फिर लेक्चरर्स कोई हुए तो डेफिनेटली मैं आपको उनका फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूँगा, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना अपनी ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग और डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। तो फ्रेंड जो मेरे पास क्वेरी आ रही है नेक्स्ट है अटेंडेंस कंपलसरी। काफ़ी बच्चे जो फ्रेशर्स हैं वो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या अटेंडेंस कंपलसरी है, ऑनलाइन क्लास लेना ज़रूरी है? फ्रेंड मे बी मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि 75% या फिर उससे ज़्यादा आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए ड्यू रेगुलर कॉलेज के लिए, अगर आप एग्ज़ाम के अंदर आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा। अगर फ्रेंड आपको एग्जामिनेशन दे मतलब आपको एग्ज़ाम्स देने हैं तो आपके पास 75% अटेंडेंस होनी चाहिए जब भी आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो फ्रेंड यार ऑनलाइन लेनी है क्लास लेने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता यार, आप घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, उसमें भी आप लेओगे नहीं तो ऐसे कॉलेज का फ़ायदा क्या, फिर आपने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया, आप SOL में लेते ताकि ये सीट किसी और को मिल जाती। तो फ्रेंड आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है तो प्लीज़ आप उसे लो, कुछ भी इससे वेस्ट नहीं होगा, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही, एटलीस्ट अगर आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो होगा कि वहाँ के लेक्चरर्स कैसे हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं, हो सकता है आपका स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाए और उसके अकॉर्डिंग सारे नोट्स आपके पास आ जाएं, आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो फ्रेंड ऑनलाइन क्लास को आप मिस मत करिए, उसको सीरियसली लीजिए। और फ्रेंड जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेरीज है वो है रीओपन कॉलेजेस। सर कॉलेजेस कब से ओपन होंगे, सर मैं फ्रेशर हूँ, सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर की तो कोई बात नहीं कर रहा, फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर के पीछे पड़े हुए हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट फेब से आप सभी को भी पता होगा, हो सकता है जिनको नहीं पता बता देता हूँ, फर्स्ट फेब से नोटिस आ गया था कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज बुला लिया जाएगा। देन हो सकता है मार्च में प्रोबेबली फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बुला लिया जाए। तो गाइज अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करूंगा और साथ ही इंस्टाग्राम के थ्रू अपडेट करूंगा। अभी तक जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आती है आप इस चीज़ को बिलीव करिए कि बस आपको बुला लिया जाएगा। और फिर अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई पीजी के रिगार्डिंग बात करनी है, कुछ कोर्स के रिगार्डिंग बात करनी है, सिलेबस के रिगार्डिंग बात करनी है, तो माई इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो गाइज आपके लिए वीडियो यूजफुल रही, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अदर न्यू अपडेट्स। जय हिंद जय भारत।